गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 24 ऑफ सिविक्स। द चैप्टर नेम इज गवर्नमेंट सरकार। द बिग आइडिया गवर्नमेंट मीनिंग सरकार का अर्थ, लेवल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के स्तर और कार्य, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के अंग, टाइप ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार, द सफरजेट मोमेंट एंड द एंटी अपार्थेड स्ट्रगल, नारी मताधिकार आंदोलन और रंगभेद आंदोलन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लोकतांत्रिक सरकार और इसका महत्व। एट ए ग्लांस एक नज़र डालेंगे हम गवर्नमेंट सरकार। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सरकार के स्तर, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्व सरकार। फंक्शंस मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। कार्य क्या है इसकी? ऑर्डर या सॉरी आदेश और कानून को मेंटेन करना, बनाए रखना, डिफेंस सुरक्षा, प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं का प्रावधान, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, एंश्योरिंग जस्टिस न्याय को सुनिश्चित करना, ऑर्गन्स अंग, लेजिस्लेचर विधानसभा, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। टाइप्स, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक, मोनार्की राजतंत्र, डिक्टेटरशिप तानाशाह। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका महत्व। रिप्रेजेंट्स पीपल्स नीड्स, लोगों की आवश्यकताओं को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना। प्रोवाइड्स राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन, और अपने नागरिकों को आज़ादी और अधिकार प्रदान करना। द सफरजेट मूवमेंट नारी मताधिकार आंदोलन, एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल रंगभेद आंदोलन, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पॉलिटिकल इक्वेलिटी राजनीतिक समानता, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत या विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी। व्हाट इज द गवर्नमेंट, सरकार क्या है? गवर्नमेंट रेफर्स टू द बॉडी, गवर्नमेंट वह निकाय है या उस निकाय से संबंधित, दैट एक्सरसाइज रूलिंग अथॉरिटी, जो सत्ता का उपयोग करती है। व्हेन ह्यूमन बिगिंस लिव एंड वर्क टुगेदर, जब मानव ने इकट्ठे काम करना और रहना शुरू किया, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सॉरी सो दैट डिसीजन कैन बी मेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ। तो उन्हें आवश्यकता हुई कुछ संगठनों को बनाने की, सो दैट इसलिए डिसीजन कैन बी मेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ, ताकि जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है या फिर कार्य हैं उनको बिना किसी बाधा के डेली किया जा सके। द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ल्ड गवर्नेयर, विच मीन्स टू गवर्न और टू मैनेज। जो गवर्नमेंट शब्द है वो किस उसकी उत्पत्ति लेटिन वर्ड गवर्नेयर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? टू गवर्न शासन करना, और टू मैनेज या फिर मैनेज करना संभालना। एज द गवर्निंग बॉडी, और शासन इकाय के तौर पर, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड रेगुलेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सरकार है वो ऑर्गेनाइज करती है उन मामलों को जो राज्य से और उसके रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस।
सरकार राज्य के मामलों को संगठित करती है एंड रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और जो प्रशासनिक कार्य हैं उनकी भी उनको भी रेगुलेट करती है, संभालती है। सम रूल्स हैव टू बी मेड, और इसके अलावा भी कुछ अन्य रूल बनाए गए हैं दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो सभी पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, योर स्कूल हैज़ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन इट, जैसा कि आपके स्कूल में विभिन्न ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। बिसाइड्स द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, विद्यार्थी और अध्यापकों के अलावा, देर आर पीपल्स हु वर्क इन द स्कूल कैंटीन एंड देर आर हेल्पर्स सच एज पियंस, ड्राइवर्स, गार्डनर्स एंड क्लीनर्स। देर आर पीपल, यहाँ पर वो लोग भी होते हैं, हु वर्क इन द स्कूल कैंटीन, जो स्कूल की कैंटीन में काम करते हैं, एंड देन देर आर हेल्पर्स, इसके अलावा सहायक भी होते हैं कुछ, सच एज जैसे कि पियन, ड्राइवर, गार्डनर एंड क्लीनर। ऑल दीज ग्रुप्स कोऑपरेट विद वन अनदर, ये सभी जो ग्रुप है, समूह है, वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल, स्कूल के कार्य को बिना बाधा के कार्यों को चलाने के लिए। बिहाइंड दिस स्मूथ फंक्शनिंग, और इस स्मूथ फंक्शनिंग के पीछे, देर आर पीपल हु टेक डिसीजंस अबाउट द रूल्स टू बी फॉलोड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स। देर आर पीपल हु टेक डिसीजंस, जो इसके अलावा भी वो लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं अबाउट द रूल्स, उन रूल्स को लेकर, टू बी फॉलोड बाई डिफरेंट ग्रुप्स, जो डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। दे आल्सो फिक्स अ वर्क शेड्यूल फॉर ईच ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप के लिए वो वर्क का शेड्यूल भी फिक्स करते हैं, सो दैट, इसलिए, देर इज़ नो कन्फ्यूजन, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, गलतफहमी ना रहे, एंड द डे टू डे फंक्शनिंग गोज ऑन स्मूथलिंग, और जो प्रतिदिन का जो कार्य है वो बिना किसी बाधा के चलता रहे। दीज पीपल फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द स्कूल, और जो ये लोग हैं जो निर्णय लेते हैं रूल्स को लेके, वो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, यानी कि प्रशासनिक निकाय होता है। सिमिलरली, और इसी प्रकार, इन ए कंट्री, देश में भी, वी नीड अ सेट ऑफ पीपल टू मेक श्योर, हमें उन लोगों के समूह की आवश्यकता होती है जो मेक श्योर, यानी कि सुनिश्चित कर सके, दैट डे टू डे लाइफ गोज ऑन स्मूथली, कि हमारी जो प्रतिदिन की जो लाइफ है वो बिना किसी रुकावट के बाधा के चलती रहे। द टर्म गवर्नमेंट, जो टर्म शब्द गवर्नमेंट रेफर्स टू द पॉलिटिकल सिस्टम, वो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। बाय विच ए कंट्री इज एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके द्वारा कोई देश प्रशासित होता है। अ गवर्नमेंट वर्क्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, जो सरकार है वो कार्य करती है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एंड रिसोल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करती है, हल करती है। इट फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, और जो गवर्नमेंट है वो देश के लोगों की तरफ से कार्य करती है। बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, उनका नेतृत्व करके, टेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेके, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज डिसीजंस, और उन सभी निर्णय को लागू करके। इन दिस वे, और इस प्रकार, अ गवर्नमेंट फंक्शंस टू अवॉइड डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर से के कार्यों से बचने के लिए, अनार्की एंड कन्फ्यूजन इन द कंट्री, और इस प्रकार जो देश है उसको डिसऑर्डर से, अनार्की से, यानी कि जो कन्फ्यूजन होती है, आ सिचुएशन, अनार्की मीन्स होता है अ सिचुएशन ऑफ कॉस वेयर देर इज नो ऑर्डर एंड कंट्रोल, जहाँ पर कोई ऑर्डर या कंट्रोल नहीं होता, उस व्यवस्था से कंट्री को बचाती है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार के स्तर, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज,
भारत है वो 29 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है, लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। द न्यू यूनियन टेरिटरीज इज जम्मू एंड कश्मीर एंड ले एंड लद्दाख। देयर आर 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स इन इंडिया। द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शंस एट वेरियस लेवल्स। जो सरकार है वो विभिन्न सत्रों भारत में विभिन्न सत्रों पर कार्य करती है, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ईच लेवल और प्रत्येक जो स्तर है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज ए सेपरेट सेट ऑफ पावर्स, और प्रत्येक स्तर सरकार के प्रत्येक स्तर के पास अपनी शक्तियां हैं एंड कैन टेक डिसीजन प्रिटेनिंग टू दैट लेवल, और उस लेवल पर कार्य करने के लिए वह डिसीजन उन शक्तियों के बेस पर डिसीजन या निर्णय ले सकती है। एट द नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर देयर इज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है उस पर कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल या फिर यूनियन केंद्र सरकार। विच लुक्स आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर कंट्री। जो पूरे जो देश है उस पर गवर्नेंस करती है सरकार है, वो उसकी शासन करती है उस पर, पूरी देश पे जो शासन करती है। इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ये सरकार का सबसे ऊंचा स्तर है। विच फंक्शंस एट द नेशनल लेवल, जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। एवरी स्टेट हैज़ ए गवर्नमेंट, और इसी प्रकार प्रत्येक जो राज्य है उसकी सरकार होती है। विच इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोदी सरकार यानि कि बीजेपी की गवर्नेंस है प्रेजेंट में, वर्तमान में। और जो इन हरियाणा में किसकी है, और हरियाणा में हमारी खट्टर की सरकार है। जो खट्टर है वो मनोहर लाल खट्टर, वो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। और स्टेट लेवल पर जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो कौन से हैं, नरेंद्र मोदी। आई होप दिस इज क्लियर। गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इन सिटीज, और जो लोकल लेवल पे स्थानीय स्तर पर सिटीज पे, टाउन पे या फिर विलेज पे गवर्नमेंट करती है, सरकार होती है, इज नोन एज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसे स्थानीय स्व सरकार कहते हैं। लुक एट द दिस फिगर, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे जो बड़ा स्तर है वो कौन सा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे छोटा स्तर कौन सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार के कार्य। लेट अस लर्न अबाउट सम फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कुछ कार्यों के बारे में पढ़ें। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और आदेश को मेंटेन करना, को बनाए रखना, ये गवर्नमेंट का पहला फंक्शन है, पहला कार्य है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री, सरकार देश में कानून और आदेशों की देखभाल करती है। एंड प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, और लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है इन लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके। फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए द गवर्नमेंट हैज़ ए पुलिस डिपार्टमेंट, सरकार का एक विभाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पुलिस विभाग। द मेंबर्स ऑफ विच प्रोटेक्ट पीपल, और इसके जो सदस्य हैं वो लोगों की सुरक्षा करते हैं, मेंटेन पीस, शांति बनाए रखते हैं, एंड ऑर्डर और आदेशों को, एंड प्रिवेंट क्राइम्स सच एज थेफ्ट्स एंड मर्डर, और जो अपराध है जैसे कि चोरी करना या फिर मर्डर करना, किसी की हत्या करना, उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है। द सेकेंड फंक्शन इज डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा। द गवर्नमेंट मेंटेन्स आर्म्ड फोर्स टू डिफेंड द नेशन, राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए सरकार सेना संगठित करती है।
इट आल्सो मेंटेन्स फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्री, और इसके साथ ही ये दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करती है। द थर्ड फंक्शन इज प्रोग्राम्स टू डील विद सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनको उनके निपटारे के लिए कार्यक्रम बनाना। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन, सरकार है वो निर्णय लेती है कि कैसे जो समाज में जो हमारी समस्याएं हैं जैसे कि पॉवर्टी गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एंड डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, इन समस्याओं को का निपटारा कैसे किया जाए उसको लेकर वो निर्णय लेती है। इट आल्सो टेक्स केयर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसके अलावा ये जो समाज में हमारा वंचित वर्ग होता है जिसका तरफ कोई ध्यान नहीं देता उसकी भी सरकार देखभाल करती है। हेल्थ सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्वास्थ्य सेवाएं और निर्माण कार्य। द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड विद द हेल्थ ऑफ द पीपल, सरकार है लोगों की स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित होती है। एंड फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए इट एस्टेब्लिशेज हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, और इस उद्देश्य के लिए ये हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज यानी कि जो हमारी मेडिकल या फिर हमारी जो केमिस्ट्री शॉप्स होती हैं उनकी स्थापना करती है। इट आल्सो ऑर्गेनाइजेस फ्री मेडिकल चेकअप्स फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल, इसके साथ ही यह जो हमारे ज़रूरतमंद या फिर गरीब लोग होते हैं उनकी फ्री मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था करती है। इट एंश्योर, और यह सुनिश्चित करती है द मेडिसन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल, की जो दवाइयाँ हैं वो लोगों में बांटी जा सके थ्रू इट्स वेरियस हेल्थ सेंटर्स विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा। प्रोविजन्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पोस्टल सिस्टम एंड रोड्स, इसके अलावा जो हमारा डाक का जो कार्य है या फिर रोड निर्माण का उस ये हमारे आधारभूत जो प्रावधान हैं इज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, वो भी सरकार के द्वारा संभाले जाते हैं। प्रोविजन फॉर एजुकेशन ऑफ द पीपल, लोगों की शिक्षा का प्रावधान। टू एजुकेट द मासेस, जनता को एजुकेट करने के लिए शिक्षित करने के लिए द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशेस स्कूल एंड कॉलेजेस इन इंडिया, भारत में सरकार स्कूल और कॉलेज की स्थापना करती है। इट आल्सो लॉन्चेस वेरियस प्रोग्राम्स टू रिमूव इलिटरेसी, और जो हमारी निरक्षरता है उसके रिमूव के लिए उसको दूर करने के लिए ये विभिन्न प्रोग्राम भी लॉन्च करती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इट टेक्स केयर ऑफ अडल्ट एजुकेशन एज वेल, इसके साथ ही ये प्रौढ़ शिक्षा की तरफ भी ध्यान देती है। इट एस्टेब्लिशेस एंड रन्स इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग, और उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए भी ये इंस्टीट्यूशन यानी कि जो इंस्टीट्यूशन संस्थानों को चलाती है और उनकी स्थापना करती है। रेस्क्यूज ऑपरेशन, बचाव कार्य। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस रेस्क्यूज एंड रिलीफ वर्क्स ड्यूरिंग फ्लड्स फायर्स अर्थक्वेक्स सुनामीज एंड अदर डिजास्टर्स, सरकार वो बचाव कार्य करती है या आराम के कार्य होते हैं जो राहत कार्य है सॉरी ड्यूरिंग फ्लड्स, बाढ़ के दौरान जो बचाव और राहत कार्य होते हैं उनको वो भी करती है। फायर्स या फिर आग लगने के दौरान, भूकंप आने से, सुनामी से या फिर जो दूसरी आपदाएं हैं उस टाइम ये लोगों का बचाव कार्य करती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स एड इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्विस, और स्वास्थ्य सेवा के तौर पर ये उनको प्राथमिक जो
चिकित्सा है उसको प्रदान करती है, फूड एंड शेल्टर उन्हें भोजन और आश्रय देती है, टू द विक्टिम्स जो इन आपदाओं के शिकार होते हैं, एंड इफेक्टेड पीपल या फिर प्रभावित लोगों को, एंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज जो हमारी आर्थिक स्थायित्व है उसको सुनिश्चित करना, द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ अवर कंट्रीज एंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा देश की जो आर्थिक स्थायित्व है उसको सुनिश्चित किया जाता है, विच रेगुलेट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी एंड ट्रेड, और ये जो धन के आदान व प्रदान और व्यापार को रेगुलेट करती है, इट आल्सो डिसाइड्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, और ये देश के जो आर्थिक नीतियां हैं उनके बारे में निर्णय लेती है या फिर आर्थिक जो नीतियां उनको बनाती है। प्रोविजन फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, लोग और जो सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रावधान या फिर यातायात के साधनों का प्रावधान। The government builds roads, establishes railway and runs important services such as bus and train transport. Government जो सरकार है वो roads बनाती है, सड़कें बनाती है, establish railway और railway की स्थापना करती है, runs important services इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनको चलाती है, such as जैसे कि bus सेवा and train सेवा, ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ट्रेन यातायात। दिस इज टू फैसिलिट ईजी एंड क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, और इससे जो लोगों का या फिर सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना वो जल्दी और आसान करने की जो सुविधा है वो देती है गवर्नमेंट। एंश्योरिंग जस्टिस टू द पीपल, लोगों को न्याय सुनिश्चित करना। इफ देर इज अ डिस्प्यूट, यदि कहीं पर कोई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, और somebody has committed a crime या फिर किसी ने कोई अपराध किया है, और has acted against the interest of the nation या फिर राष्ट्र के प्रति कोई गलत कार्य किया है, उस पर एक्ट किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। द गवर्नमेंट imparts justice through the courts, और सरकार है वो कोर्ट के थ्रू हमें न्याय प्रदान करती है। थस इस प्रकार द कोर्ट्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इस प्रकार जो कोर्ट है वो सरकार का ही एक हिस्सा है। ऑर्गन्स ऑफ द ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार के अंग, अ गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स, सरकार के तीन अंग है, नेमली द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दीज ऑर्गन्स परफॉर्म दी थ्री डिफरेंट फंक्शंस, और ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो तीन अलग अलग कार्य करती हैं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग, द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट मेक्स लॉ, हमारी जो विधानसभा होती है वो पार्लियामेंट में, संसद में कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स ला, और जो कार्यपालिका है वो इन लॉज को, इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। द जुडिशरी कोर्ट, जो हमारे न्यायपालिका या फिर कोर्ट है, इंटरप्ट्स लॉज एंड डिसाइड लीगल केसेस, वो हमारे जो कानूनी केस हैं या फिर कानून है उनको इंटरप्ट करती है, उनकी देखभाल करती है। Well students, that's all for today. Read this, today's work is to read this lesson 2 or 3 times and try to find out the back exercise of this chapter. This is today's work. Thank you.